यहाँ पर हमने बनाया है चॉकलेट गार्निशिंग, जो बहुत सारे केक के डिज़ाइन के ऊपर आते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं एक मोल्ट, ये सिलिकॉन मोल्ट है। यहाँ पे मैंने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट किया है और पाइपिंग बैग के अंदर में भरा है। और इससे है ना, मैं थोड़ा थोड़ा ही बस इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ, बस मुझे शेडिंग ही चाहिए व्हाइट कंपाउंड की। इसीलिए अभी हम ले लेते हैं जो कैडबरी होती है छोटी वाली, वो वाला मोल्ड। इसके ऊपर भी मैं सेम शेडिंग ही दे रही हूँ, इसीलिए व्हाइट वाले चॉकलेट को सबसे पहले प्योर किया है हमने। इस तरीके से जिगजैग डिज़ाइन, कोई डिज़ाइन विज़ाइन का ये नहीं है। अभी जो है ना चॉकलेट डार्क कंपाउंड है ना, उसको मैंने मेल्ट किया है और उसे मैं इसके अंदर पोर कर रही हूँ। इसे हमें ज़्यादा पोर करना है, मतलब जितनी चॉकलेट चाहिए उतनी मोल्ड को हमें भर लेना है इतना। आज हम तीन प्रकार के चॉकलेट गार्निशिंग देखने वाले हैं मोल्ड के सहायता से, जो हमें बनाने हैं। और ये बहुत क्विकली बन जाते हैं, कोई झंझट वाली बात नहीं है। और जो OHP शीट पर जो चॉकलेट गार्निशिंग बनती है, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप लोग चाहे तो उसे विजिट करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं और वैसे भी चॉकलेट गार्निशिंग बना सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा ये चॉकलेट गार्निशिंग का वीडियो और अदर भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देखिए मैं इसे अभी टैप टैप कर रही हूँ और इसे मैं फ्रीज में रख दूंगी 5 मिनट के लिए। अभी जो हार्ट शेप वाला मोल्ड था ना, उसके अंदर हमें डार्क कंपाउंड को हम फुल कर लेंगे। ये मोल्ड बहुत अच्छा है, बट मुझे एक चीज़ इसके पसंद नहीं आई कि इसे ऊपर तक के मुझे चॉकलेट फील करना पड़ता है, मतलब पूरा भरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस लगा दिए, कम चॉकलेट में नहीं बनता है। इसके लिए चॉकलेट बहुत, बस यही मैं बोलूँगी कि मुझे पसंद नहीं आई ये चीज़। और डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है, दिखने में बहुत प्यारे हैं। और ये 100 रुपीज़ का ख़रीदा था मैंने ऑफलाइन। देखिए मैं सारे साइड से है ना चॉकलेट को कवर कर रही हूँ, जहाँ जैसे रह गया वहीं पे चॉकलेट फिर से लगा लेते हैं हम लोग। हार्ट शेप में कवर हो जाना चाहिए पूरा। इसे भी हमें 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट है, सूखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से फैला के अच्छे तरीके से टैप टैप करके इसे भी फ्रिज में रख देंगे। ये आता है प्लास्टिक वाला जो मोल्ड होता है ना, वो है। और ये मेरा फेवरेट है, इसमें चॉकलेट बहुत कम यूज़ होती है और डिज़ाइन बहुत प्यारा बनता है। और ये जो शेप है ना, मतलब तीनों शेप हर टाइप के केक के ऊपर में चले जाएंगे, चाहे कोई भी केक हो उसके ऊपर हम ये तीनों गार्निशिंग को लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने व्हाइट चॉकलेट को पोर किया, उसके ऊपर मैं डार्क चॉकलेट को पोर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मैंने 1 2 3 ऐसे जो सीक्वेंस वाइज है, एक साइड ही उधर ही सबसे पहले मैंने चॉकलेट को पोर किया है। वो मैं बताती हूँ क्यों ऐसा किया है मैंने, क्योंकि जब हम चॉकलेट को डैप डैप करेंगे या फिर शेप देना चाहेंगे, अगर हम उसके अपोजिट साइड में भी करेंगे तो उधर साइड वाला इधर साइड ज़्यादा आ जाता है, गिर जाता है। इसीलिए पहले 1 बाय 1 हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है ना ब्लैक एंड वाइट, मतलब शेडिंग वाला, वो बहुत मस्त चलता है, मतलब दिखने में बहुत मस्त। और ये जो मोल्ट है ना, ये 30 रुपये का हुआ था मैंने ऑफलाइन, नहीं सॉरी 35 रुपये का हुआ था, मैंने ऑफलाइन ही ख़रीदा था इसको। तो देख सकते जहाँ जैसे चॉकलेट मुझे ऐसा लगता है कि कम है, वहाँ वहाँ पर मैं फिर से चॉकलेट और ज़्यादा डालते जाती हूँ, ताकि प्लेन सीक्वेंस आए। इसे भी हमें टैप टैप करना है, और जहाँ से थोड़ा फार भी रह गया ना, वहाँ से मैं और प्लेन कर लूँगी। देखिएगा आप, देखिए यहाँ से थोड़ा सा रह गया ऐसा लगा, तो मैंने वहाँ से भी फिर भर दिया। तो अभी ये कंप्लीट है, और उधर साइड के अभी हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि इधर साइड के उधर साइड के सेम टाइमिंग करने से चॉकलेट इधर साइड की इधर साइड गिर जाती है, ये प्रॉब्लम होती है। तो आप जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप करेगा तो आपके चॉकलेट्स बहुत अच्छे बनेंगे। देख सकते अभी इधर साइड मैं कर लेती हूँ, चॉकलेट जो है ना मतलब थोड़ी थोड़ी सी बची थी, फिर भी मेरे को पता है कि ये वाला जो मोल्ड है ना, इसमें बन जाते हैं आराम से, इसलिए मैंने इसको लास्ट में किया है। बची हुई चॉकलेट का बना रही हूँ मैं, ये मेनली मेरे को 2 चाहिए थे और ये भी चाहिए था, तो यही है। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। और मैंने लास्ट में है ना इन सब के फ़ोटोज़ भी, जो जो केक के ऊपर मैं अप्लाई किया है ना, उनके फ़ोटोज़ भी मैंने रखी हूँ, तो आप देख सकते किस तरीके से डिज़ाइन को मैंने मेंटेन किया है। आप लोगों को अगर नए नए टाइप के केक्स या फिर बेकिंग रिलेटेड कोई भी वीडियोस आपको देखना है, तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करता कोई भी, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। तो देखिए मैं चॉकलेट
आपको ये वाइट चॉकलेट का एक वाइट ही रखी हूँ। ये देखिए 5 मिनट बाद सेट हो गए, कितना इजीली निकल जाते हैं, कितने क्यूट है और बहुत मस्त दिखते हैं। और ये कैडबरी वाला मोल्ड तो है ना, सभी ने एक तो भी परचेस करना ही चाहिए, क्योंकि इसका बहुत यूज़ होता है चॉकलेट गार्निशिंग में, बहुत ईजीली निकल जाते हैं। और सेकेंड चीज़, जो आगे वाला जहाँ पर डिज़ाइन दिखता है ना, उसको टच नहीं करना, उसके ऊपर थंब प्रिंट चिपक जाते हैं। बस यही बात बतानी है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं साइड से उठा रही हूँ इनको, और ये निकलने में बहुत तेज़ी से निकलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टूटने का तो सवाल ही नहीं है। एक भी चॉकलेट गार्निशिंग मेरी टूटी नहीं है आज तक के, कभी भी बनाई तो। हाँ, वो OHP शीट वाले कभी कभार हो जाते हैं, वो थोड़ा सा हार्ड होता है बनाना, इतना भी नहीं। उसका भी वीडियो है मेरे पास, तो आप लोग देखिएगा, देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हो और कितने मस्त हैं। भी हार्ट शेप वाला देख लेते हैं, इसको 10 मिनट रखा था फ्रिज में, और सभी को फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। तो देखिए ये भी बहुत आसानी से निकल के आ गए हैं, ये दिखने में कितने क्यूट लग रहे हैं, छोटे छोटे दिल बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं। इसमें साइजेस है, थोड़ा छोटा बड़ा ऐसे मीडियम साइज के। देखिए ये जो प्लास्टिक वाला है ना, ये तो बहुत जल्दी ही निकल जाता है, मतलब भाई इसको निकलने में टाइम ही नहीं लगता। देखिए कितना मस्त शेडिंग दिख रही है इसमें की, और ये डिज़ाइन भी कितना प्यारा है, शाइन कितनी मस्त है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो देखिए ये पूरे चॉकलेट गार्निशिंग है, इतने बनाई थी मैंने ये, देखिए आप लोग, इनमें जो शाइन है ना वो बहुत मस्त है। ये कुछ केक के इमेजेस हैं जो मैंने यूज़ किया है इसमें।